For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. मेरा नाम डॉक्टर नादिया अरशद है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ. मेरा क्लिनिक है F10 इस्लामाबाद में और मैं अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बताती चलूँ. मैंने 2003 में ग्रेजुएशन किया था लाहौर मेडिकल कॉलेज से. उसके बाद जो है मैंने MCPS की ट्रेनिंग मिलिट्री हॉस्पिटल से की वी रावलपिंडी से. उसके बाद मैंने मास्टर्स किया डर्मेटोलॉजी में फ्रॉम कार्डिफ यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से. मैं 2010 से प्रैक्टिस कर रही हूँ इस्लामाबाद में. इससे पहले मैं कार्डिफ में जो है प्रैक्टिस करती रही हूँ. बेसिकली मैं डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट दोनों हूँ. इसमें यह है कि मैं डर्मेटोलॉजी की जो भी डिजीज़ आती हैं हमारे पास, बीमारियाँ स्किन से रिलेटेड, वो सब डील करती हूँ. कॉस्मेटोलॉजी में जहाँ तक है आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है इसका, बोटॉक्स, फिलर्स, एक्नी ट्रीटमेंट, थ्रेड लिफ्ट, हाइड्रा फेशियल्स, सोराइसिस, सब ट्रीटमेंट्स मैं करती हूँ यहाँ पर क्लिनिक पर. बेसिकली अगर आप देखें तो एक्नी जो है प्यूबर्टी पे ज़्यादा स्टार्ट हो रही होती है क्योंकि उसमें हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं. तो जो बच्चे बच्चियाँ इस एज में होते हैं 13 to 16, 17, उसमें आप देखते हैं कि एक्नी ब्रेकआउट ज़्यादा हो रहे होते हैं. प्यूबर्टी के एज में हार्मोनल चेंज की वजह से आता है. इसी तरह जो फीमेल्स होती हैं उनके भी जो साइकिल होता है उसके अंदर जो उनको देख रही होती है उसमें ज़्यादा उनको चेंजेस आते हैं. कुछ लोगों के जो ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम स्वेट ग्लैंड्स और जो इनके ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं वो ज़्यादा ऑयल सिक्रीट कर रहे होते हैं. जब वो ग्लैंड्स में फैटी एसिड की एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाती है तो उसमें वो ज़्यादा प्रोन होते हैं कि उनको एक्नी आए. इसी तरह कुछ फीमेल्स को जिस तरह मेनार्की मैंने बताया लड़कियों को आती है, इसी तरह मीनोपॉज के टाइम पर भी जो है उन लोगों को ज़्यादा एक्नी आना शुरू हो जाती है. सो समहाउ ये आप कह सकते हैं हार्मोनल बेस भी हो सकती है. उनके स्वेट ग्लैंड भी ज़्यादा सिक्रीट कर सकते हैं. लाइक नॉर्मली कुछ लोग ड्राई स्किन के होते हैं, कुछ ऑयली स्किन के होते हैं. तो जो ऑयली स्किन के लोग होते हैं उनको ऑयल ज़्यादा सिक्रीट होता है और उसी वजह से उनके एक्नी आती है. और अगर आप देखें तो एरियाज़ भी एक्नी के वही वाले होते हैं. फेस पे आती है एक्नी, शोल्डर्स, बैक पे, चेस्ट पर, ये सारे जो हैं वो ग्लैंड्स हैं आपकी स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं जहाँ पे एक्नी आ रही होती है. या मेकअप का ये है कि आजकल मेकअप का ट्रेंड पहले से ज़्यादा हो गया है. अगर आप देखें तो हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम मेकअप करें भी और उसमें हम उन्हें अवॉइड करके एक्नी ब्रेकआउट से थोड़ा सा एक्नी को कंट्रोल कर सकते हैं. जिस तरह फाउंडेशन ले रहे हैं जब आप लोग, तो फाउंडेशन ऑयल बेस्ड नहीं होनी चाहिए, उसे वाटर बेस्ड होना चाहिए ताकि आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल क्लॉग ना हो जाए, उसके पोर्स और आपको कम एक्नी आए. इसी तरह जब आप मेकअप रिमूव करना चाह रहे हैं तो मेकअप रिमूव करके उसको वॉश भी प्रॉपर करना चाहिए. आप मेकअप जब लगा होता है उसके साथ कभी भी ना सोएं. सो मेकअप का इफ़ेक्ट यहाँ तक है आपके अवेयरनेस के लिए कि मेकअप अगर लगाना चाह रहे हैं और आपको एक्नी है यू कैन यूज़ इट, बट उसको साफ़ करना और उसको राइट काइंड ऑफ मेकअप यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. बेसिकली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ होम रेमिडीज क्योंकि अगर देखा जाए विनेगर की बात करें तो इट्स अ एसिड, ऑर्गेनिक एसिड इसमें होता है. आपने डैंड्रफ के लिए पूछा है जिस तरह से, या फिर एक्नी के लिए, इन दोनों के लिए हमारे लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं एप्पल साइडर विनेगर और उसमें इसके साइड इफेक्ट है ऐसा एसिड. तो आप बार बार देखें कि लोग बर्न वाले फेस के साथ भी आ रहे होते हैं, स्कैल्प में भी उनके बर्न आ रहे होते हैं. तो इसको एक डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करना होता है. सो ये क्या, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जिस तरह से ये pH चेंज कर रहा होता है तो आपका फेस वो उस pH को चेंज करने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं. एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज़ हैं उसकी, बट आई डोंट रिकमेंड इट क्योंकि अगर आप इसे बहुत कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूज़ कर लेंगे तो आप बर्न भी अपने फेस को कर सकते हैं या स्कैल्प को. हेयर फॉल जहाँ तक है उसमें काफ़ी से फैक्टर्स आ जाते हैं. आजकल हमारे लोगों में डाइट जो है वो करने का बहुत ट्रेंड आ गया है. ये वो चीज़ें हैं जो लाइफ में आप देख रहे हैं कि हर कोई डाइट करे बगैर. ये देखें कौन से फूड ग्रुप्स हैं जो उनको लेने हैं, तो मैल न्यूट्रिशन की वजह से भी हेयर फॉल आ रहा होता है.
उसके अलावा अगर थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, हेयर फॉल आता है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो है पीसीओएस वाली फीमेल जो हैं उनके अंदर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा आता है। अगर मेल की साइड पे देखा जाए तो उनमें अगर आप देखें तो हेयर फॉल जेनेटिक भी हो सकता है, फैमिली में रन कर रहा होता है, एक हेयर पैटर्न होता है उनका, रिसीडिंग हेयर लाइन होती है, बाल झड़ते हैं, लड़के भी बहुत परेशान हैं, कुछ लोग इन्वायरमेंटल चेंजेस भी होते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी बाल गिर रहे होते हैं। तो हेयर फॉल की तो बहुत सी रीज़न्स हैं जिसमें डिफरेंट सोलूशंस हैं, कुछ टॉपिकल हम मेडिकेशन देते हैं, इसी तरह न्यूट्रिशन, अगर आप अपने पेशेंट का एक बेस लाइन कराएँ तो उसमें आप देखते हैं बाज़ लोगों का एच बी लेवल, आयरन लेवल बहुत लो होते हैं, विटामिन डी तो वैसे 95% लोगों का लो है, किसी का भी आप करवाएं विटामिन डी लेवल्स तो पाकिस्तान में लो आ रहे होते हैं, जबकि हमारे यहाँ सन इतना सनी डेज होते हैं, बट स्टिल वी आर विटामिन डी डेफिशिएंट। तो ये जो मैल न्यूट्रिशन है बेसिकली और मल्टी विटामिन की डेफिशिएंसीज हैं, आई डोंट रिकमेंड कि आप मल्टी विटामिन ही लें, लेकिन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो विदाउट आप प्रॉपर एक वो चार्टिंग के और उसके जो डाइट्स करें उससे भी हेयर फॉल आता है, बहुत लंबी लोग स्टारवेशन पे चले जाते हैं। तो ये वाले फैक्टर्स को भी देखें, अपनी जो है फूड वो अच्छा लें तो वो रिफ्लेक्ट करेगी आपकी स्किन में भी, नेल्स में, बालों में, तो बेसिकली वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। थायराइड में लोगों के बाल जाते हैं, जिस तरह वो अपना अगर उसको बेटर करें, अपना थायराइड प्रोफाइल कराएं, उन्हें पता चलेगा। हार्मोनल इंबैलेंसेस है फीमेल में, उसकी करेक्शन में भी, सो इट्स जस्ट नॉट कि आप बस कुछ चीज़ें लगाना शुरू हो जाएं आपके बाल आ जाएंगे, आपको बेसिकली वो देखना होता है कि आप इसकी रूट कॉज क्या है हेयर फॉल की, तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। देन PRPs हैं, देर क्वाइट फेमस सोल्यूशंस हैं कुछ, वो लगाने के लिए मेडिसिन वो आप यूज़ करें तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है। कुछ फेशियल्स होते हैं जो हम जाके करवाते हैं, उससे हमारी स्किन ग्लो करती है, स्किन क्लियर हो जाती है, सेलोन्स बेस्ड बहुत से फेशियल थे। फर्स्ट टाइम हाइड्रा फेशियल आया था कुछ साल पहले, और हाइड्रा फेशियल में बेसिकली दैट हाइड्रेट्स योर स्किन, आपके स्किन के अंदर वाटर कंटेंट आता है, करता क्या ही 4 स्टेप्स पे बेस्ड होता है, इस पर एक्सफोलिएशन करता है आपकी, हाइड्रेशन कर रहा होता है, एक्सट्रैक्शन करता है आपके और क्लिनजिंग करता है, ये 4 चीज़ें हैं जो आपको हाइड्रा फेशियल दे रहा होता है। तो उसमें आपके ब्लैक हेड्स ऑन द स्पॉट रिमूव होते हैं, डेड स्किन रिमूव होती है, हाइड्रेट के तो ओवर ड्राई नहीं कर रहा होता आपकी स्किन को, साथ ही साथ जो क्लिनजिंग होती है वो होती है। तो इसमें देयर इज़ नथिंग कि आपकी कोई बहुत मसाजेस वगैरह कुछ भी नहीं होता जिस तरह सैलून बेस्ड होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बेसिकली जो है वो नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे बहुत जेंटली करते हैं और बट आई रिकमेंड हाइड्रोफेशियल टिप्स होती हैं, हाइड्रोफेशियल टिप्स शुड बी चेंज फॉर एवरी पेशेंट, आप कभी भी ये मेरी डॉक्टर्स हजरात से भी है तो सैलून वालों से तो बिल्कुल ना कराएं, अगर वो नहीं चेंज करते इवन आप क्लिनिक्स पे भी जाते हैं तो आप देखें कि आपके लिए डिस्पोजेबल टिप्स यूज़ होनी चाहिए। ओके, सेंसिटिव एंड ड्राई स्किन जो है, अगर आप देखें लोग बहुत से अनइवन टोन्स के साथ आ रहे होते हैं, तो उनके लोअर फेसेस मोस्टली जो है आप फेस देखें तो वो डार्क हो रहा होता है, टैन होता है, और अपर फेस पे बाद एक नहीं आती है, तो वो क्या कर रहे होते हैं कि वो बेसिक अपने फेस को ट्रीट कर रहे होते हैं कि उनकी स्किन ऑयली है, क्योंकि उनके जो है वो दाने आ रहे होते हैं। अब अगर उनका फेस देखा जाए तो वो सेंसिटिव हो रहा होता है, प्रोडक्ट भी यूज़ ऐसी कर रहे होंगे जो एक्नी के लिए होंगी, अनइवन लोअर फेस हो रहा होता है जो डार्क भी होता है, ड्राई भी होता है। सेंसिटिव स्किन के साथ ये है कि आप उसे मॉइस्चराइज करें, ऑयली भी स्किन है आपकी या ड्राई भी, उसके मॉइस्चराइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है ताकि ओवर ड्राई होने से बचाएँ अपनी स्किन को। सेंसिटिव स्किन के लिए मेरा यही, मैं ड्राई स्किन है ये ऑयली स्किन है, दोनों के लिए सनस्क्रीन डिफरेंट टाइप के हैं, मार्केट में भी अवेलेबल है, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से भी पूछ सकते हैं, आप राइट काइंड ऑफ सनस्क्रीन यूज़ करें और मॉइस्चराइज़र भी। लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में असल में बहुत सी मिसकंसेप्शन है। लेज़र हेयर रिमूवल एक तो बात बहुत आप कह सकते हैं कि बड़ी हाइप क्रिएट कर दी, 100% नहीं होता, पर यस यू कैन से 80% आपके बाल चले जाते हैं, एंड आफ्टर फ्यू सेशंस आपको वो रिपीट करना पड़ता है, उसमें आपकी ड्यूरेशन जो होती है हेयर के आने की और एक से दूसरे लेज़र की वो थोड़ी बढ़ जाती है, प्रोलॉन्ग हो जाती है, बट डजंट मीन 100% ख़त्म होते हैं, एंड इट्स अ सेफ ट्रीटमेंट एक्चुअली, ये बहुत प्रिसाइज कर जो है वो डिफाइंड होता है, जिस एरिया पे आप हेयर रिमूवल कर रहे होते हैं सिर्फ उसी के लिए होता है। आई डू इनकरेज पीपल डोंट गो फॉर वैक्सिंग और थ्रेडिंग, आप हेयर के जो रूट को ख़राब कर रहे होते हैं, इवन आफ्टर टेकिंग वैक्सिंग और थ्रेडिंग आप देखें शेडोज लोगों के, फीमेल्स के फेस पर भी पूरा एक मस्टैच का शेडो या एक बियर्ड का आ जाता है,
तो आई डोंट रिकमेंड के लेज़र जो है वो ना करवाएं और थ्रेडिंग वैक्सिंग के बाकी के जो है एपिलेशन की चीज़ों में जाएं, क्योंकि वो उसकी एनाटमी ख़राब कर रहा है जब हेयर पुल हो रहा होता है। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट अपनी बुक करना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, वहाँ पे पूरी डिटेल्स मौजूद हैं। मेरा नाम डॉक्टर नादिया अरशद, मैंने स्टार्ट में बताया था, मरहम की जो है वो वेबसाइट और उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू।